अपना हट यूज करके ना ताकई ओ यूज दोला अतब माने के इया दो ना नि 50 सिस्टम दो योंग इन आरल दो लगो ओ इतना कर में सब ऐसा करके पर दे जो पिकनिक स्पॉट तो मान लो तू 5000 तक जाते ऐसा फ्यूचर में प्लान कर हां ऐसा कीजिए इस बार हिटिंग में ऐसे दिस इज अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट ऑनरेबल एमएलए साहब केंटो जेनी एडवाइजर चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड माय मोस्ट रेस्पेक्टेड माय ब्रदर मेजर ऋषि आर्या मगबो DTO Kopang Migom, Waka Asi learned it, Asi Gujin Tali Dipro, Waka Hingoka Tayagabo, and the Secretary GICC Kabu Village, Waka Waka Yigo Gago, Kitkurdo, Kitkarse, Ori, Okmukita, Waka Nundandaru Kamla Mai, and Naru Hilo Ana, Okanyama Dolu, and my own behalf of Kabu people and a member being a member of a country club of Kabu. I welcome you. On the first outset, having this new innovation of Lirao Picnic Spot come Waterboat Adventure Resort. And from tourism point of view, I appreciate this innovation. Definitely, if this innovation go a long way, then it will definitely facilitate the tourists who are visiting or who are staying here in Alo. And this is one of the pillar in the cap of our Alo. But it should not be remain here only. It should go a long way. After that main serious matter, I would like to share with you is that basically in our administration, I'm district tourism officer. And basically I advise, I suggest the tourism activity, what can be done in our district. To our deputy commissioner, I am responsible to our deputy commissioner. So one thing, my deputy commissioner is worried. Now administration, they are seeing from outside that some activities going here. If something going wrong, who will be the responsible? Next, now our deputy commissioner is on leave. After joining back, I'll speak to him. The main issue is of indemnity. Indemnity. तो आप समझता होगा कि इन समथिंग गोइंग वेन रॉन्ग लाइक गंगा लेक में हुआ था सब पी के नाव चलाया डूब गया बच्चा लोग डूब गया मर गया एक फैमिली पूरा खत्म हो गया तो इन सच केस इट मे हैपन हियर ऑल्सो ना यहाँ भी हो सकता है तो ऐसे केस में क्या होगा
because something went wrong, the responsibility, moral responsibility will come upon to our deputy commissioner because this is his jurisdiction. और जो ये एडवेंचर नोड है वो पूरे इंडिया में कुछ 8 या 9 जगह है जिसमें से आलोंग है। वाह, वेयर फ्रॉम? इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमको स्टेट अरुणाचल में स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म के कोर्स चलाने के लिए कुछ फंड मिले थे जिसमें हमने 5 कोर्स चलाए हैं एडवेंचर टूरिज्म। हमको स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फंड मिले थे जिसमें हमने 5 कोर्स चलाए हैं टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एडवेंचर कोर्स, जिसके पाइनियर कोर्स जिसको मैंने कंडक्ट किया था उसमें हम और मिस्टर लोया मिले हैं। तो अगेन गवर्नमेंट ने भी आइडेंटिफाई किया है आलो या वेस्ट यांग डिस्ट्रिक्ट का टूरिज्म पोटेंशियल, इसलिए उन्होंने इस वैली में इन्वेस्ट किया, आप समझ रहे हैं। तो हमने 5 फेस्टिवल जो चलाए हैं उसमें हमने राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन टेरिंग, बाइकिंग, ये सारी चीज़ें आलोंग के स्टूडेंट थ्रू DTO ऑफिस हमने ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराए हैं। अब मैं इसको समअप करता हूँ, ये सारे फैक्ट्स मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि इस वैली में इतना टूरिज्म पोटेंशियल है और अभी भी मैं मानता हूँ कि इसको हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत पोटेंशियल है टूरिज़्म का, जितना टूरिज़्म का पोटेंशियल मेंजोका वैली या बाकी वैलीज में है उतना ही आलोंग में है। आलोंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कनेक्टिविटी। सारा मार्केट जो हमको और कहीं नहीं मिलेगा वो हमको यहाँ मिल सकता है। तो अभी हमने कैसे करना है ये हमने थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट यस इफ वी कैन वर्क टुगेदर सो वी कैन मेक आलोंग इन द टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया एटलीस्ट। सो दिस इज द टूरिज्म पोटेंशियल। एट लास्ट आई वुड अगेन लाइक टू कंग्रेचुलेट मिस्टर बिबल लोया फॉर दैट आउटस्टैंडिंग initial step which he has taken to promote tourism in Arunachal or in Along. So thank you so much sir for inviting me and it was an honor to be here. Thank you sir. Tourism sector is tourism importance institutions is these institutions not only attracts Along and this will open gates worldwide since these days world is in one hand. Through mass media, today's work will be known in the entire world. That way, they are connecting Alo to the tourism world and worldwide. As you know, the tourism is so important these days. And tourism sector is the fourth largest industries in the world these days. But it was very unfortunate on the part of student community last year when we have organized YRF here in Alo. In that YRF, we have gathered 25,000 people. I think it was the largest gathering so far in the history of Alo. That time we have invited Raja Kumari from America, United States of America. She is an NRI and she even took participated in that YRF festival. But it was really unfortunate, as I have stated, that when Chief Minister visited, our Honorable Minister Tunku Bagra and I myself accompanied them. The student community sat at Dharna in front of all dignitaries and protested the YRF. I don't know what was the reason behind it. Be that as it may, I criticize such type of activities. Since education sector is also one part, as you know, education one part, industry another part, tourism sector is another part. The worldwide is giving encouragement to the tourism sector, but these our students, so-called student unions, are protesting against the tourism sector. It was really unexpected on their part. Only because of their protest, today, this year, government of Arunachal Pradesh has not sanctioned for organizing YRF. Okay, doan gadam singo mengke jidang nahi.
wire temun ibala itu ambil banyak last time ke wire api doksin. Mungkin 25,000 Raja Kumari Amerika se bula ke ya perform kene dia. Mungkin India home bi bot kum jaga me as tak perform ke. Lekin alo me ya ke perform kia. Ese samai ku mane encourage tam abe mane gunung niigat de. Usko discourage karene ka baje se protest beta ya paktu bangtol nun kabe se. Wire up nahi karna hai hamla ye education wire up mein jo paisa lagta hai usko education sector mein dena hai hamla ye protest kun mein ija bolo tourism sector ka dam tourism department ka dam mein nunu wa mein public oppose karne se hum log kyu dega ija hum to koi that usko kiska mane galti hai unu aayega public ka suffer ho raha hai wire up karne se puran tourist aayega national tourist aayega तो डेट वे गुनुग होक लोकल माने बेनिफिट्स मिलता है और एजुकेशन सेक्टर में तो गवर्नमेंट तो पैसा पंप करता ही है टूरिज्म सेक्टर में भी पंप करता है ये लोग लेकिन पता नहीं है कि सब टूरिज्म सेक्टर का एजुकेशन सेक्टर में देना है बोल के डिमांड करके बैठा हुआ था डेट इज रियली अगेन इलिए क्यों गुनुग योग डेवलपमेंट भाई अमित में टूरिज्म सेक्टर इज आजकल आज एज आई हैव स्टेटेड इज अ फोर्थ लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड वर्ल्ड टूरिज्म लोग आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो इसीलिए वंस अगेन असी देवर लॉय एंड इज का जम एंड एंतानु नु टीम हम सिन गो माजा अलव का दो ही गो इज द सिन जस्ट लास्ट नाइट डेसांगलो पूल मैडम एमएलए अंजो डॉक्टर महेश साई अनंता मिस्टर कैम देन आई वेंट देयर टू रिसीव देयर देखा है तो रात में यहाँ इतना टेप बज रहा है और लाइट इतना दगमगा के देखो आई टोल्ड देम देख यू सी हमारा आलो गोवा जैसा है आप देखिए वहाँ से देख के यहाँ रिवर अक्रॉस द रिवर यहाँ रात में भी जम रहा है तो हमको भी रियली लगा है कि गोवा में आज भी यहाँ आते ही मोटर बोट में जा रहा है बहुत इतना पानी साफ है माने फ्रेश वर्क फ्रेश एयर है फ्रेश वाटर है तो बीच में करंट को कट होके आगे निकाल देते बहुत कितना प्लीजेंट एक्सपीरियंस है आलो में हम कभी ये माने सोच नहीं सकता है कि ये आलो में है ऐसा लगता है कि मैं गोवा में घूम रहा है हम भी मो पब्लिक गदम सिन माने अपील नागना होकर आज हमारा अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ भी आया हुआ है आलो न्यूज़ भी आया हुआ है इसका माध्यम से मैं लास्ट ईयर भी यहाँ क्लीननेस ड्राइव किया था वहाँ से काबू सामने से लेके हिसाम तक लगुन जिनी तक पानी साफ रहना है क्योंकि ये अपना ही रिवर है और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं अपील कर रहा हूँ कि सीवरेज ट्रीटमेंट भी अच्छा करना है जहाज सीवरेज से एक्रो ये जो अलोंग द रिवर साइड जो भी घर है वो सब अच्छा से सेप्टिक टैंक बनाना है जो सेप्टिक टैंक नहीं बना के डायरेक्ट नदी में जो डायरेक्ट छोड़ देगा या कनेक्ट करेगा दिस इज अ पब्लिक न्यूसेंस सो देयर शुड बी लीगली इनिशिएटेड क्यों ये इतना साफ पानी को आप टॉयलेट का वहाँ गिरा के रखेंगे हम यहाँ से तैरता है कभी हम तो बचपन में आर्य साहब ये हम यहाँ अभी भी तैर के पीता भी है पानी को ये इतना साफ पानी है ये तो हम लोग वाइल्ड स्विमिंग वी कैन ड्रिंक इट हम बहुत बचपन में तो हम सुबह से शाम तक ही नदी का किनारे रहता था तो ऐसे कि अभी आजकल जब टाउन डेवलप होते गया थोड़ा वो पानी थोड़ा गंदा होते जा रहा है फिर भी वो हमारा अपना हाथ में है हम उसको प्रिवेंट कर सकता है हम उसको कंट्रोल कर सकता है स्टिल आई रिमेम्बर ये हमारा जो वो कर्सन लीड करके लास्ट टाइम हम लोग यहाँ ये कॉन्फ्लुएंस में भी हम लोग साफ किया था प्लास्टिक फ्री इसीलिए मैं हमेशा अपील करता हूँ को आलों को प्लास्टिक फ्री जोन करने से ठीक है क्योंकि प्लास्टिक ये दूषित माने माहौल बना देता है माने एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर देता है कि इस रियली हम प्लास्टिक को छोड़ देने से अच्छा रहेगा लेकिन ऐसे चीज़ है कि पानी का वजह से हम लोग प्लास्टिक नहीं छोड़ पा रहे हैं ये जो बोटलिंग को तो इसको भी यूज़ करने से कैसे माने डिसमेंटल करना है हम लोग वो उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे ज़्यादातर
पानी को प्लास्टिक यूज करके, लेकिन जो चटनी उटनी का आता है जो प्लेट, उसको टोटली स्टॉप करने से ज्यादा अच्छा है। इससे मुन तू लामा इकिन घुमा ही बोतल बोटलिंग ही मुन यूज में इकिन मदद नहीं मुन वो है बोल सो ट्राई टू मेनी फील अंबिन म मो होकान गा दम सिल मेन दुना इजा उनु माने आलो हिम सपादो ब माने उन नई इप लगे काबूतल क तल क बेन तल क इरो बेला ओके लोगों जी ने बोलो निको बोलो ब उन अग गंदम हिबुलो अर्लिक पर लगे मामू इप लगे तू ओके मुनो इला बोलो सपा पर लगे इजा सिंग आल इन मो बोतल म्यूला इन मे हिम मोजिन ओके आसने बने सिन में तो बोतल का दम सिन मुनो अर्लिक रा पर लगे मा का के बोले बोलो उन का टूरिज्म आए टूरिज्म में उनके रेवेन्यू जनरेट दो इनकम जनरेट दो अपॉर्चुनिटी जॉब क्रिएट दो इज ऐसी नहीं जी कान में ऐसे इन में तो एटलीस्ट 10 आदमी तो होगा यार अनएम्प्लॉयमेंट का डम एटलीस्ट मुनु या जॉब कैटर कर सकता है हम इन में उन एनकरेज हिला चुका और कहो का काबू मुनु का यूट का डम सिन वो इन्हें दाग दाग नुगुन न होगे एन गाद एक लास्ट टाइम आई हैव आल्सो अटेंडेड इन देयर हॉस्पिटलिटी an adventurous force munuga alohim mo especially guru aloji gad hospitality mun help lage tourism ma age barana eta munuga hospitality hospitality mane niyam ayam yob alwa taken be men lage de yob girit ken de mun help lage de ok example la munu mechuka ha mechuka ji gad de sin maja waldu tawang niyam hin tawang gad tourism ge importance hai hindu kai मुनो टूरिज्म इंपोर्टेंस हम हैंक नाम टूरिस्ट आ नाम भगवान का मुझे तो मुन टूरिस्ट आ नाम भगवान का ट्रीट पर लगी तो मारे मुख आलो आयर दो बे आयो दुख न सेल होगा होटल सेल होगा होटल दूए ओ कही ऐसे मुनो गए ना हेम बेम ईम होगो आला मुनो अबरा होगा तो कोमाये उजो वो अल्प पुगे ही अल्प सुली बोलो ऐसे दबला उजे का जो मलासिन तो लोग काबू तो लोग बाहर लोग ओवम रे ओके ओक पेरी पेरी लोग कम रे मन पूर्ण गात गलो रे जी ओपरा सेन लिंक करना नहीं हम भी मंगल हिम सीजी के मुने हेल्ला पल लगी तो हिलो मोक कपक सब अल्लू मेंगे बा में नगा दम क्योंकि गुनु का टूरिज्म में गुनु आगे बोराई बोलो गुनु का ये नाम दूर मशीन नरू अली इजा मोक इन प्लान का दुना का इजांगुनो होगो जस्ट अगर गाड़ी एक अलग कल कल लग बम मुनु कैपेट्रिया का बोलो गवर्नमेंट तरफ लोग के इम बम एम्बेक्मेंट अगर अस अब के बम के नाम अब कोटे आगे मुन कोर्ट को टू कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट क्लब को मोले तो जस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या हम लोग ये भी करा अभी एक कैपेट्रिया बना रहा है कम एम्बेक्मेंट और पार्किंग प्लेस भी होगा आई में मालिन ये लाए अम्बिन में हम लोग प्लान किया है कि हॉक कलेला आरो का कॉन्फ्रेंस आपको इलेला पूरा हिस्सा बोलो ब हिम प्रोटेक्ट गेला रिक्रेशन पार्क ब आई एम इमेंट दो ब अम्बिला गुण प्लान है 1 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ 25 लाख ना गो गुण मोकेला मुंजी का तो एम सक्सेस बोलो मुन गसिन माने ये उल्टा फ्रंट साइड हो जाएगा आगे बोझ रहे दिन माने माने पोक भी दुखू भाई मोम लग मोक प्लान है मैं होक ये दून का दर्शन माने बहुत अच्छा होगा इन इजा आप लोग का मध्यम से भी गो माने गो अपील कर रहा हूँ कि अभी गुण ट्रांस हाईवे जो है टू लेन का प्रोजेक्ट है टू लेन का प्रोविजन है लेकिन टीटीसी को हम रिक्वेस्ट करके फोर लेन का नहीं हो सकने से भी एटलीस्ट फोर लेन इक्विवेलेंट होने तक बनाओ बोल के बोल रहे अलग मार्केट अलग है ये दोनों का दर्शन कॉर्पोरेट तो लगा ही कुछ माने इरेक्शन आज ही को हाथ ऐसा गए यो कई अभी अभी मिंकी में रही माँ बर नून नारु कॉर्पोरेट कीजिए उन सब मिलके आलो को सुंदर बनाते हैं और ये नब्दून माने कैसे करने से उन क्या होगा वो आखिर नबुई कर लाइन तो नहीं होगा सब मिलके करना पड़ेगा इजा मुनुग टूरिज्म इजा मुनो मोकर आजी मांग में पास इसा नून टूरिज्म का मल्टीपल बेनिफिट्स है इंडिविजुअल सिर्फ में नहीं जाता सोसाइटी में भी जाता है इंगुजाम तो भाई इनमें सोसाइटी है पूरा लिंक दो ना कर मुन नारुआ
इंजाला कोऑपरेटिव इला जुका आगो में आकाम सिंगो मेंट में हिलो मोशन इजा निदा हाथ तब नाम लाई हिलो को मेंट प्रीवियस स्पीकर का ते नारु मेंगे वा मेंट अगला वा मुन्ने देना थैंक यू.